की पावर एन, इसमें 2 की पावर x है, ये इसे ठीक कर लीजिए, 2 की पावर x, तो ये है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो हमें यहां पर सॉल्व करते हुए वही करें, 2 की पावर x और माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 4, है ना। और 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 2 की पावर x इक्वल टू 8 हो गया। इसका मतलब कि हमारी जो x, यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, जब x p के इक्वल हो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, p। हमसे पूछा है x की पावर x, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। तो इसका मतलब हमारा आंसर है ए, 27।